सुरमणि गण भक्त परिपालम भयंकर विशंग मातंग कुल कालम श्री विघ्नराजम पतंजलि पराशर मदंग मुनि संग सौभाग्य की बात है माँ अहिल्या की नगरी में मालवा उत्सव और ये भी कितना अद्भुत संयोग है आपका नाम शंकर और मैं महाकाल की नगरी से रहता हूँ। बोले महाकाल महाराज की भगवान क्या अद्भुत लीला है। देखिए आप तो हमारे सभी देवी देवताओं का अलग अलग रूप अलग अलग प्रकार अलग अलग दुनिया है लेकिन शंकर भगवान इन सब में हटके इनकी अपनी लीला इनका अपना तरीका इनका भोलापन इनकी बुद्धिमत्ता इनकी विद्वत्ता कदम कदम पे भगवान शंकर की जितनी गाथा गाए जितनी कथा सुनाए हमारे बीच वरिष्ठ नेता माननीय सत्यनारायण सत्तन जी बैठे हैं मैं आपको भी प्रणाम करता हूं और भगवान के लिए ये जो जितनी कला है नटराज से कोई भी कला का प्रारंभ माना जाता है। नटराज अर्थात भगवान शंकर भोले शंकर शिव शंकर और हमने जो महाकाल का महापर्व बनाया उसमें उनके आमतौर पर एक ही नृत्य की लोग ज्यादा जानकारी रखते हैं वो नृत्य है तांडव नृत्य जबकि उनका दूसरा नृत्य उनके आनंद के लिए वो आनंद नृत्य तो हमने 108 पिलर पे उनके नृत्य मुद्राओं की सारी अलग अलग मूर्ति शिल्प का बहुत सुंदर प्रतिकृति बनवाई और अभी महाकाल के महालोक में ये FRV की जो प्रतिमा थी अर्थात ये जो फाइबर की थी हमने कहा ये ठोस पत्थर की बनना चाहिए वो सब चालू करा दिए महाकाल के महालोक में सारी प्रतिमा पत्थर की बन करके हमेशा के लिए तो देवों के प्रांगण में हमेशा स्टोन की प्रतिमा की परंपरा है और ऐसे में ये कला संस्कृति के लिए अद्भुत मालवा तो पूरा मालवा का नाम अलग प्रकार का है। भगवान की दया से पूरे देश में अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्र की पहचान होगी लेकिन हजारों हजार साल से मालवा पे विशेष कृपा परमात्मा की है इसलिए यहाँ के सभी क्षेत्रों में एक विशेष उसकी अलग झलक भी दिखाई देती और हमारे देश की विशेषता है कि आदिकाल से यहाँ सभी लोक कला संस्कृति को बढ़ावा देते हुए जन जागरण की दृष्टि से साथ में हमारे बीच में प्रकृति मात्र से परमात्मा का जो हमारा अपना प्रेम है वो हम नदी पहाड़ पर्वत सब में झलकता है। मैं अभी आ रहा था तो आते आते कोड़ियों की बनाए हुए वो श्रृंगार मेरे को दिए हैं वास्तव में वो हमारे को अपने पशु प्रेम से जोड़ते हमारी अपनी आप में से जो भी आर्नामेंट पहनते हैं ये आर्नामेंट क्या है ये आर्नामेंट आप पहनो या पशु पहनो बात बराबर ही कभी कभी हमको ध्यान ही नहीं आता कि ये हमारी प्रकृति से जोड़ने का बीच का माध्यम है जिसके माध्यम से हम दुनिया में सबसे अलग ढंग से पहचाने जाते हैं। दुनिया के 200 से ज्यादा देश लेकिन ये अपने एशिया और एशिया में खास करके भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़े हुए देशों को छोड़ दें तो बाकी में इसमें काफी गैप है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले समय में मालवा संस्कृति खसक करके दुनिया की ऐसी आदिवासी संस्कृति अलग अलग प्रकार की है मैं उससे जुड़ने के लिए भी शंकर भैया आपको आमंत्रित करता हूं। ये लगभग अपना 25वां साल अगला रहेगा कायदे से तो कोविड भी गिन लो आप आपकी गलती थोड़ी है आपका क्या क्लेम है भगवान ने कोविड दिया तो समय तो 1999 से गिनाएगा ना तो 24 पूरा होके 25वां जब लगेगा तो हमारी अपनी सारी क्योंकि जैसे अब ये कंबोडिया वगैरह तो हमारा हिस्सा है लेकिन अब अपने यहाँ कोरिया में जाओगे तो अपने यहाँ अयोध्या की राजकुमारी की कोरिया के राजा से शादी हुई थी ये इतिहास है और उस आधार पर वो आज भी अपने आप को भारत से बहुत नजदीक पाते हैं। डॉक्टर वाकणकर जी अमेरिका गए तो उन्होंने एक लोक संस्कृति में एक परंपरा ढूंढी कि वहां आज भी अमेरिका के इनके हिसाब से वो निग्रो करते हैं अदरवाइज वहां के जो मूल निवासी हैं जिनको रंग भले उनका सांवला हो सकता है लेकिन एक पद्धति लगाते हैं वो जैसे यज्ञ करते हैं ऐसे हुआ हुआ बोलते हैं। अब अपन ओम स्वाहा स्वाहा करते तो भाव तो
ध्यान में आता है, शब्द बदल जाता है, शब्द का कोई हिसाब नहीं, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा अलग अलग प्रकार से। लेकिन ये जो हमारे खास करके ये जो संस्कृति से जोड़ने की बात करते, तो ये कलाओं के माध्यम से संस्कृति और संस्कृति के माध्यम से हमारे अपने देश से जुड़ने का बहुत अच्छा मौका है। मैं आज ये देख रहा था कि देखो कितनी अद्भुत बात है, अहिल्या माता नहीं होती तो आज बनारस में पूजा किसकी करते हैं? बोले विश्वनाथ भगवान की। तो यहां से जाके अयोध्या माता ने मुगल काल में वहां बनारस में विश्वनाथ मंदिर बनवाया, और ऐसे ही जब द्वारका जाते हैं तो पास का सोमनाथ मंदिर, अभी अगर ये 48 का सरदार वल्लभ भाई पटेल का मंदिर की ये जो नया निर्माण हुआ है, इसके पहले अहिल्या देवी माता के मंदिर से ही वो पूजा करते थे। तो सभी 12 ज्योतिर्लिंग पे उनके बनाए हुए देवस्थान से ये हमारा जो संस्कृति की ध्वज फहरा रहा है, तो मुझे इस बात की भी आनंद है। और इस पे जो दोनों में अगर बारीकी से देखेंगे तो महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण पत्र चढ़ा ये विश्वनाथ भगवान को जगमगाने का मौका दिया था। तो कहां पंजाब और कहां उत्तर प्रदेश और कहां मालवा, ये अतीत के काल से हमको एक तरह से यही एक विशेष आकर्षण है जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबको जोड़ के चलते हैं। मेरी अपनी ओर से शंकर भैया और पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजा के सबका अभिनंदन, भी इस प्रकार के आयोजन करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, शंकर भैया और उनकी पूरी टीम को बधाई। बोले अहिल्या माता की। आज इंदौर में मालवा उत्सव के आज आयोजन में मेरे मित्र और यहाँ के लोकल सांसद श्रीमान शंकर ललवानी जी लगभग 24 साल से हमारी आदिवासी और लोक कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए मालवा का ये मालवा उत्सव करते आए हैं। आज मैं शामिल हुआ, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। और ये कला संस्कृति सभ्यता के लिए अत्यंत आवश्यक है, ऐसे में ऐसे कलाकार जिनके लिए कोई बड़ा मंच मौका नहीं मिलता है, उनको मौका दे करके हम अपनी सभ्यता की तरफ, अपनी संस्कृति की तरफ उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। इंदौर में बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसमें शिल्प कला से लेकर के नृत्य कला और सभी प्रकार की विधाओं का प्रोत्साहन देना ये भगवान कृष्ण से जोड़ता है, जिनने 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद सबका निष्णात होकर के वो मालवा से ही गए थे। उस समृद्ध परंपरा के लिए इस मालवा उत्सव से उनका संबंध जुड़ता। मेरी अपनी ओर से